हेलो दोस्तों, मैं यश और आज अपन एमसीयू के बारे में बात करने वाले हैं। मतलब कि एमसीयू की कोई ना डिटेल के बारे में बात करेंगे, बल्कि आज अपन कुछ अलग ही टॉपिक पर बात करने वाले हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है जिनको मार्वल देखना तो है मगर उन्होंने पहले की मूवीज़ नहीं देखी हैं, तो इसी वजह से शायद वो स्टोरी लाइन समझ ना पाए। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ ऑल मूवीज ऑफ मार्वल इन ऑर्डर 2008 टिल 2022। मतलब कि 2008 से लेकर 2022 तक की सारी मार्वल की मूवीज मैं आपको ऑर्डर में बताऊंगा। जो मार्वल देखना चाहते हैं पूरी, वो भी लाइन बाय लाइन देख सकते हैं ताकि उनको पूरी स्टोरी समझ में आ जाए और आगे की मूवीज वो अच्छे से एंजॉय कर पाए। तो ज्यादा मुंह ना चलाते हुए इस वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। आयरन मैन जो रिलीज हुई थी 2008 में और एमसीयू ने हमें एक काफी जबरदस्त सुपर हीरो से मिलवाया था। द इनक्रेडिबल हल्क 2008 में ये भी रिलीज हुई थी जिसकी हाइप बहुत ज्यादा बन गई थी पहले से ही, क्योंकि भाई जब दो मॉन्स्टर के बीच में लड़ाई होती है ना, तब उसको देखने में जो मजा आता है वो और किसी में भी नहीं है। द इनक्रेडिबल हल्क चली भी काफी अच्छी थी और मुझे पता है जो भी मार्वल का फैन है उसको तो पता ही होगा हल्क स्टार्टिंग से कितना ज्यादा खूंखार है। हाँ भले ही अभी थोड़ा नल्ला पाव हो गया है वो, मगर फिर भी दम तो उसमें स्टार्टिंग में बहुत था और अभी दिमाग ज्यादा है। फिर उसके बाद हमें देखने मिल गई थी आयरन मैन 2 और 2 साल बाद ये मूवी रिलीज हुई, यानी कि 2010 में ये मूवी रिलीज हुई। तो मेरे भाई, मैं इस वीडियो में सिर्फ मूवीज बताने वाला हूँ, वेब सीरीज नहीं बताऊंगा मार्वल की, क्योंकि जो भी सीरीज होती है उनका अलग सा ही कॉन्सेप्ट होता है और उनका इतना भी जरूरी पार्ट नहीं होता। हाँ भले ही कोई कोई सीरीज का बहुत जरूरी पार्ट भी है, मगर मैं आपको खाली मूवीज का बताऊंगा इस समय। तो आयरन मैन 2 2010 में रिलीज हो गई थी और इसकी हाइप काफी ज्यादा थी, क्योंकि जो पहली आयरन मैन थी ना वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल रही थी। और तो और इस मूवी में हमें एक और एवेंजर देखने मिला था जिसका नाम है रोडी। और इसके बाद रिलीज हुई थी कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर जो रिलीज हुई थी 2011 में, और इसमें हमें कैप्टन अमेरिका की सारी स्टोरी बता दी गई स्टार्टिंग से अभी तक प्रेजेंट टाइम तक की, कि वो कैसे सोल्जर बना और कैसे उसके पास इतनी सारी एबिलिटीज वो सब आई। तो अगर कैप्टन अमेरिका के फैन हो, तो अगर आप लोग को कैप्टन अमेरिका पसंद है मार्वल में से, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट। इसके बाद एक ब्लॉकबस्टर हमें देखने मिली थी मार्वल की तरफ से जो है द एवेंजर्स, और ये रिलीज हुई थी 2012 में, जहां हमें एक से एक एवेंजर्स दिखाए गए थे, यानी कि जो द ओरिजिनल 6 है वो हमें इस मूवी में ही सबसे पहले दिखे थे। उसके पहले तो इन लोग की बनती नहीं थी आपस में, हाँ भले ही इसके बाद भी नहीं बनी थी इतनी अच्छे से, मगर फिर भी। और इसमें ही हमें मालूम पड़ गया था कि लोकी नाम का एक विलन बहुत ज्यादा कमीना है। द एवेंजर्स के बाद रिलीज हुई आयरन मैन 3 जो रिलीज हुई थी 2013 में, और आयरन मैन 3 का भी अलग ही हाइप बन चुकी थी, क्योंकि इस समय तक मार्वल काफी ज्यादा बड़ा सुपर हीरो फ्रेंचाइजी बन चुकी थी और आयरन मैन सबसे ज्यादा हाइप्ड कैरेक्टर था पूरे एमसीयू का। मतलब कि सबसे जाना माना कैरेक्टर आयरन मैन ही था समझ लो। और उसके बाद आई थी अपनी थॉर द डार्क वर्ल्ड जो रिलीज हुई थी 2013 में, जिसमें हमें थॉर की कहानी बताई गई कि उसके पास कैसे पावर्स आई और बाद में जाके उसने अपने पावर्स को कैसे कंट्रोल करना सीखा, और इस मूवी का विलन भी काफी ज्यादा तगड़ा है भाई। इसके बाद आई थी अपनी कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर जो रिलीज हुई थी 2014 में, और तो और भाई इसमें हमें मालूम पड़ गया था कि कैप्टन अमेरिका का बिछड़ा हुआ दोस्त अभी भी जिंदा है। तो भाई जो अभी न्यू व्यूअर्स है ना, उनको नहीं मालूम कि इसका कौन सा बिछड़ा हुआ दोस्त है, तो अगर आपको मालूम करना है तो ये सारी मूवीज देखनी पड़ेगी पहले, उसके बाद ही आपको समझ में आएगी। नहीं वैसे जरूरी नहीं है, आप जाके डायरेक्ट ये वाली मूवी भी देख सकते हो, स्टार्टिंग से देखोगे तो उसका अलग ही मजा आता है भाई। तो अगर विंटर सोल्जर का हो गया हो तो अगली मूवी पर बढ़ते हैं। अगली मूवी थी अपनी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी जो रिलीज हुई थी 2014 में, और इसमें हमें बताया गया था कि स्पेस के एक रक्षक टाइप के हैं, भले इनके पास इतनी भी ज्यादा कॉस्मिक लेवल की पावर्स नहीं है, खाली ये लोग अपने आप को बोलते हैं हम हैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, मगर इन्होंने अच्छे अच्छे विलन्स को धूल चटाई है। हाँ डांस करके चटाई हो तो उससे क्या फर्क पड़ता है, मगर फिर भी चटाई तो है। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में हमें एक से एक कैरेक्टर्स नए नए इंट्रोड्यूस कराए गए, जिसकी वजह से लोग और ज्यादा अट्रैक्ट होना चालू हो गए थे मार्वल की तरफ। और उसके बाद हमें देखने मिली एक बैंगर जिसका नाम है एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन जो रिलीज हुई थी 2015 में, और तो और इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें एक मस्त सुपर विलन देखने मिला था जो आगे जाकर पूरे एमसीयू की नाक में दम करने वाला है। और तो और इसमें हमें बहुत सारे नए नए कैरेक्टर्स भी दिखाए गए, जैसे एक है क्विक सिल्वर जो बहुत ही ज्यादा तेज भाग सकता है,
I'm fast as fuck, boy. और इसमें हमें वांडा भी इंट्रोड्यूस कराई गई, जो आपको आगे जाकर मालूम पड़ेगा कि वांडा किस मिट्टी का नाम है। इसके बाद आती है अपनी एंटमैन, जो रिलीज हुई थी 2015 में ही, और एंटमैन भी काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल मूवी रही थी। भले इस कैरेक्टर को ज़्यादा कोई लोग नहीं जानते थे, मगर फिर भी इसने अच्छी खासी कमाई कर ली थी और इसका नाम भी बन चुका था अच्छा खासा। अब भाई आप ही सोचिए, ऐसा कोई बंदा जो बहुत बड़ा हो सकता है और बहुत छोटा भी हो सकता है, उसको देखने में पब्लिक को इंटरेस्ट नहीं आएगा क्या? आएगा ही ना, ऑब्वियसली। और भाई मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, क्या आपने अब तक वीडियो लाइक कर दी? अगर कर दी तो भाई थैंक यू सो मच, मगर अगर नहीं करी है तो अभी जाकर लाइक कर दीजिए भाई, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग रही है आजकल वीडियो बनाने में। और हो सके तो नीचे जो लाल बटन है ना, उसको भी दबाकर ग्रे कर दो बस। तो चलिए भाई अपन बढ़ते अपनी अगली मूवी पर, जो है कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, जो रिलीज हुई थी 2016 में। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हीरोज की आपस में बीच में नहीं बनती थी, तो उसी वजह से इन लोग के बीच में एक झगड़ा भी होता है, जो झगड़ा देखने में तो काफी ज्यादा मजा आएगा ही ऑब्वियसली, क्योंकि कौन नहीं चाहता कि उनके फेवरेट सुपर हीरोज आपस में ही लड़े, और उनमें जब फाइट हो तो कौन जीतेगा। और तो और सबसे मेन बात भाई, स्पाइडरमैन की फर्स्ट अपीयरेंस इसी मूवी से हुई थी एमसीयू के अंदर, जिसके बाद हमें देखने मिली थी डॉक्टर स्ट्रेंज, जो रिलीज हुई थी 2015 के अंदर। और तो और इस मूवी में तो अलग ही टाइप का VFX यूज़ किया गया था, क्योंकि एकदम दिमाग को चक्कर में डाल देने वाला VFX मार्वल की तरफ से हमें देखने मिला था, जिसमें जादू वादू की बातें हो रही थी और ऐसे ऐसे टाइप की हमें चीज़ें दिख रही थी स्क्रीन पर कि हमारा खुद का दिमाग चकरा जाए, जैसे आपको दिख रही होगी अभी स्क्रीन पर। इस मूवी में हमें ऐसा दिखाया गया था कि वर्ल्ड में मैजिक भी एग्जिस्ट करता है, मगर लोग ज़्यादा इतने अवेयर नहीं है इसके बारे में। तो अगली मूवी आती है अपनी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2, जो रिलीज हुई थी 2017 में। और भाई इस मूवी में तो हमें एक प्यारा सा कैरेक्टर मिला था, जो है बेबी ग्रूट, जिसकी हरकतों पे आप फिदा हो जाओगे। एक बच्चा MCU के अंदर, सोचिए उसकी पूरी टीम बड़े बड़े मॉन्स्टर से लड़ रही है और उन्हें एक बच्चा भी संभाल कर रखना है, तो उसको करना कितना हार्ड होता होगा, वही सब हमें इस मूवी के अंदर दिखाया है। तो भाई अगर अपनी अगली मूवी के बारे में बात करें तो हम सबके फेवरेट स्पाइडरमैन की मूवी है अगली, जिसका नाम है स्पाइडरमैन होमकमिंग। इसकी हिंदी डबिंग टाइगर श्रॉफ ने करी है, जो बिल्कुल भी सूट नहीं हो रही थी, मगर फिर भी क्या कर सकते हैं, चलाना तो पड़ेगा ही। 2017 में रिलीज हुई थी ये वाली मूवी, जिसके बाद मार्वल को अलग सा ही पुश मिल गया था, क्योंकि स्पाइडरमैन एक ऐसा कैरेक्टर है ना, जो स्टार्टिंग से ही इतना ज़्यादा हाइप्ड कैरेक्टर है पूरे मार्वल का, भले ही वो कॉमिक्स की बात करें या अपन TV शोज की बात करें, हर जगह स्पाइडरमैन ही स्पाइडरमैन चलता रहता है। इसके बाद आई थी एक तगड़ी मूवी, जिसका नाम है थॉर रैग्नारोक, जो रिलीज हुई थी 2017 में। इसमें हमें बहुत सारी अलग अलग ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने मिल गए थे। हमें बाद में मालूम भी पड़ता है कि थॉर की एक बहन भी है भाई, हाँ, जो मौत की देवी है, और इसको थॉर कैसे रोकता है वो हमें इस मूवी के अंदर दिखाया गया। बहुत ही कम लोग होंगे जिसने थॉर रैग्नारोक नहीं देखी होगी, क्योंकि इसमें थॉर वर्सेस हल्क जो हुआ है, जिसमें हमें मालूम पड़ गया कि कौन किसकी अच्छे से तोड़ सकता है। हाँ मुझे पता है आप सबको भी पता ही होगा, मगर फिर भी अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट्स में बताइए। इसके बाद भी एक काफ़ी ज़्यादा तगड़ी मूवी रिलीज हुई थी, जिसका नाम है ब्लैक पैंथर, जो रिलीज हुई थी 2018 में। और तो और इसमें हमें एकदम अलग सा ही कैरेक्टर देखने मिला, क्योंकि ब्लैक पैंथर के पास एक सूट है जो पूरा वाइब्रेनियम का बना है। वाइब्रेनियम वही चीज़ है जिससे कैप्टन अमेरिका की शील्ड बनी है, और इसका तो पूरा सूट ही उससे बना है। और जहाँ ये रहता है, यानी कि जहाँ का ये किंग है वकांडा, वो इतना ज़्यादा हाईटेक और एडवांस्ड हो चुका है ना, कि अगर आयरन मैन देखे तो वो भी सोचे अरे बाप रे ये क्या सीन है भाई। इसके बाद एक काफ़ी ज़्यादा तगड़ी मूवी रिलीज हुई थी, यानी कि पूरे सुपर हीरो जॉनरा को ही हिला कर रख दिया था, जिसका नाम है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, जो रिलीज हुई थी 2018 में। और इसमें हमें ऐसा दिखाया गया था कि जो हमें एज ऑफ अल्ट्रॉन के पोस्ट क्रेडिट सीन में एक एलियन दिखाया था जिसका नाम था थैनोस, अब खुद से मैदान में उतर चुका है और उसका चाहिए होते इन्फिनिटी स्टोन, जिसकी वजह से वो पूरे गैलेक्सी पर एक बैलेंस क्रिएट करना चाहता है। मगर एवेंजर्स की तो भाई फट के हाथ में आ गई इसको रोकने में, मगर फिर भी वो लोग रोक नहीं पाए थे सोचिए। और तो और मार्वल ने जो छापा है ना इस मूवी से, कि आपको क्या ही बताऊं। मगर छोड़िए, अब छापने छपाने की बात हो गई हो तो अगली मूवी की तरफ बढ़ जाते हैं, जिसका नाम है एंटमैन एंड द वॉस्प, जो रिलीज हुई थी 2018 में। एंटमैन एंड द वॉस्प मूवी में भी काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स हमें दिखे थे, और बाद में वो जिस मूवी में अपीयर होता है ना, वो मूवी में काफ़ी ज़्यादा शॉक लगता है फैंस को कि भाई अरे मैंने तो इसको एक्सपेक्ट ही नहीं करा था। यहाँ इसमें डिटेलिंग भी बहुत अच्छी करी गई है, और छोटी छोटी चीज़ें भी एकदम परफेक्टली दिखाई गई है। इसके बाद आती है अपनी कैप्टन मार्वल,
जो रिलीज हुई थी 2019 में। मार्वल ने पहले ही बता दिया लोगों को कि जो कैप्टन मार्वल है ना, वो एवेंजर्स में सबसे ज़्यादा पावरफुल है, जिसकी वजह से थोड़े जो थॉर के और आयरन मैन के और कैप्टन अमेरिका के फैंस थे वो नाराज़ हो गए और उनको लगा कि भाई इतना भी दम नहीं है इसमें। क्योंकि आपको तो पता ही है, फैंस तो फैंस होते हैं, उनको तो अपने हीरो के अलावा और कोई पसंद आएगा ही नहीं। वैसे सच बोलूँ तो मैं भी थॉर का काफ़ी ज़्यादा बड़ा फ़ैन हूँ और मेरे को भी ये बात नहीं पचती कि कैप्टन मार्वल थॉर से ज़्यादा स्ट्रांग है। इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखी है कि अगर इन दोनों में मुकाबला हुआ तो कौन जीतेगा। अगर आपको वाली वीडियो देखनी है तो ये आई बटन पर फ्लैश हो रहा होगा, आप जाकर देख सकते हैं। एवेंजर्स एंड गेम जो रिलीज हुई थी 2019 में, इसमें हमें थैनोस का द एंड देखने मिल गया। और उसका एंड कैसे होता है वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा खुद से मूवी देखने के बाद। इसके बाद आई थी अपनी स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम, जो रिलीज हुई थी 2019 में ही। और इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा अलग सा एक कैरेक्टर देखने मिला जिसका नाम है मिस्टीरियो। और बच्चन तो इसने काफ़ी बड़े बड़े दिए थे कि मैं मल्टीवर्स से आया हूँ और ऐसा वैसा, मगर बाद में मालूम पड़ता है कि इसने तो सबका काट दिया। इसके बाद हमें देखने मिली थी ब्लैक विडो, जिसने ज़्यादा कुछ नहीं कमाया, मगर ब्लैक विडो ने जो सैक्रिफाइस किया था एंड गेम के अंदर, उसके बाद से जो भी थोड़े बहुत ब्लैक विडो के फ़ैन थे ना, उन्होंने ये वाली मूवी जाकर देखी। भले ही मैंने तो इसको ऑनलाइन देख लिया था, मगर फिर भी मुझे ये थोड़ी ठीक ठाक ही और डिसेंट सी लगी थी। इसके बाद रिलीज हुई थी अपनी शैंग-ची द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स, जिसमें हमें 10 रिंग्स ऑफिशियली मार्वल के अंदर दिख गई थी। और जो ये 10 रिंग्स है ना, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ऑब्जेक्ट है। जिसके पास भी ये 10 रिंग्स रहती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बंदा है, समझ लो आप। और इसके बाद हमें देखने मिला था एटर्नल्स, जिसमें CGI तो काफ़ी अच्छा था, मगर स्टोरी लाइन थोड़ी घटिया सी लग रही थी मुझे भी। काफ़ी ज़्यादा मार्वल के फैंस को इसकी स्टोरी लाइन इतनी भी खास नहीं लगी, खाली इसमें एक दो जो फाइट सीन्स है ना, वही लोगों को पसंद आए, और ज़्यादा कुछ खास नहीं था इस मूवी में। इसके बाद रिलीज हुई थी एक ब्लॉकबस्टर जिसका नाम है स्पाइडरमैन नो वे होम, जिसमें हमें तीनों स्पाइडरमैन दिखा दिए गए थे, जो अपने टोबी भैया थे और जो अपने एंड्रू चाचा थे, वो दोनों भी हमें देखने मिल गए इस मूवी के अंदर। जो फैंस के दिल में काफ़ी टाइम से इच्छा थी कि यार काश ये तीनों एक ही मूवी में देखने मिल जाए, और बात बन भी गई भाई। जो कमाया ना इस मूवी ने ठोक के, वो तो क्रिएटर्स भी सोच में पड़ गए कि इसकी माँ का ये क्या हो गया। इसके बाद और इस लिस्ट की आखिरी मूवी है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। हाँ मालूम है, ये वाली मूवी ने बहुत सारे लोगों को डिसअपॉइंट भी किया था, मगर हम लोग ने इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा के रख दी थी कि मार्वल वाला भी जितना दे उतना कम लग रहा था। अब उसने हमें बहुत सारी कैरेक्टर्स इसमें इंट्रोड्यूस करवाए, जैसे कि इल्यूमिनाटीज। हाँ भले ही इल्यूमिनाटीज को तो गिनना भी बेकार है, वो लोग तो 2 मिनट ही टिक पाए थे इस वांडा के सामने। तो भाई यही अपनी लिस्ट थी MCU के रिलीज ऑर्डर लिस्ट, मतलब कि कौन से ऑर्डर में कौन सी मूवी रिलीज हुई थी। वो सारी मूवीज मैंने आपको बता दी जो 2022 तक में रिलीज हुई थी। तो अगर आपको मार्वल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और आपको स्टार्टिंग से स्टोरी नहीं मालूम है, तो आपने अब ये वाली वीडियो तो देख ही ली है। अब तो आप जाओ और खाली दिन रात मूवीज ही देखते रहो। मगर जाने से पहले मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए ना, तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो यार, क्या कर रहे हो। और लाइक भी कर दीजिए, कमेंट करिए कि आप में से कौन कौन से लोग कौन कौन सी मूवीज देख चुके हैं और कौन कौन से लोग कौन कौन सी मूवीज देखने वाले हैं। मैं सारे कमेंट्स रीड करूंगा और उन्हें लाइक भी दूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलूंगा मैं सीधा अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। वाह क्या सीन है। हेलो Sorry, 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 sor